अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सोमवार और सोमवार को आज हमारे यहाँ यूपी में बहुत अच्छी धूप हुई है और इस तरह से हम लोग धूप में बैठकर हरे मटर को छील रहे हैं और छील करके इसको रख दूँगी स्टोर करके, तब मैं इसको यूज करूँगी तो आसानी रहती है छील बार बार छीलने का। ठंडे के मौसम में बार बार छीलने का दिल नहीं कर रहा है कि मटर को छीलें या इस तरह से। अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो ये बना रही हूँ मैं शाम की चाय। तो चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, अजवाइन की चाय है ये, और ये ठंडे के मौसम में पीने से बदन में गर्मी रहती है और साथ ही ठंड नहीं लगती है, तो इसी के लिए मैं अपने लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे इसको पीते नहीं हैं, फिर मैं पीऊँगी। तो इसमें मैं डाल दिया हूँ अजवाइन, नमक और दो चार में डालूँगी इसमें काली मिर्च और थोड़ी सी चाय पत्ती, और इसमें मैं डालने वाली थी गुड़, तो गुड़ मैंने नहीं डाला है, भूल गई मैं, और डालना पड़ा मुझे चीनी मैंने डाल दिया गुड़ के जगह पे। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो चलो कुछ भी चलेगा, कैसा हो भी बना लो, अपने को पीना है। तो ये मेरी चाय उबल गई है और मैं इसको छान के पी लेती हूँ। अब ये चाय मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे घर ही पे हैं, जैसा कि आपको पता है कि बच्चे लोग का विंटर का छुट्टी चल रहा है, तो बच्चे भी घर पे हैं, तो उनके लिए भी चाय मैं बनाऊंगी, टी भी बना रही हूँ। तो सोचा मैं कि बच्चे घर ही पे हैं तो चलो, ठंडी का मौसम भी है और चाय पीना बहुत ही ज़रूरी है आजकल, क्योंकि हमारी इतना ठंड पड़ रही है कि अगर ठंडी के मौसम में कहीं भी जाऊँ या घर पे भी चाय मिल जा रही है तो लग रहा है थोड़ा बदन में चाय मिल जाना आ जा रही है। तो ये मैं चाय बना रही हूँ और इसमें मैंने चाय पत्ती तो डाल दी है और इसमें डालूँगी अदरक और चीनी डालकर मैं इसको खौला दूँगी, चाय तो मेरी बन जाएगी। और तो इसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी चाय को, बच्चे जब पी लेंगे उसके बाद मैं शाम की तैयारी करूँगी। देखती हूँ कि शाम को मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी बच्चों की पसंद की, क्योंकि रोज़ बना रही थी मसाले वाली सब्ज़ी तो बच्चे अच्छे से नहीं खा रहे थे, तो आज मैं वही बनाऊँगी जो बच्चों की पसंद है, बिना मसाले वाली भाजी। तो चलिए मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया है, तो देखती हूँ कि सुबह मैं अपलोड में कर देती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, चार्ट में तो लाइट नहीं थी, जिससे लग रहा था कि बिल्कुल घर में अंधेरा अंधेरा है, और लाइट भी नहीं थी और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग ही बनाया। तो अब मेरा ब्लॉग जाएगा इंशाल्लाह रेगुलर, तो आप लोग इन्जॉय करिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, तो मेरी चाय भी बन गई बात करते करते, और ये ब्लॉग मेरा छोटा सा है, तो देखिएगा ज़रूर, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं बच्चे लोग को चाय दे देती हूँ, चाय तो मेरी हो गई है, और चाय को मैं थोड़ा ज़्यादा ही खौलाती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है पीने का और स्वाद भी बढ़ जाता है जब चाय ज़्यादा उबालती हूँ, तो इसीलिए मैं चाय ज़्यादा उबालती हूँ। चलिए मैं बच्चों को दे देती हूँ, और देने के बाद उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से मैं। और एक मेरी बेटी गई है पढ़ने मदरसा, वो डेली जाती है मदरसा पढ़ने, अरबी, उर्दू अरबी,
तो वो तो नहीं है, लेकिन आएगी तो पी लेगी। कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है और किसी भी तरह हम लोग खाना बना ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, वही ज़्यादा है। और इतनी हमारे यहाँ ठंड पड़ रही है कि क्या करूँ मैं, तो आज मैं बनाऊँगी आलू और हरे मटर की सब्जी, जो इसे मैं तो आसानी से मिलती है मार्केट में, उसकी मैं सब्जी बनाऊँगी। और ये सब्जी ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है, आलू और मटर की सिंपल सब्जी बिना मसाले वाली भाजी बनाऊंगी, इसे बोलते हैं हम लोग भुजिया। देखियो घर चिल्ला चिल्ला रही है, तो वह भी बनाऊंगी, तो चलिए मैं बनाती हूँ। और मैं तो कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ ठंडी की वजह से, लग रहा जैसे कि बुखार है, मैं क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, तो चलिए चलती हूँ बनाने। और अगर आज का ब्लॉग मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और पहले से मैंने सब्जी मैंने मटर तो छील लिए धूप में बैठ करके ही, और सब्जी मैंने काट ली है, महीन महीन मैंने काटा है आलू को बारीक बारीक पतला पतला बिल्कुल, ताकि जल्द से गल जाए। तो चलिए मैं बनाती हूँ, और आज मैं यही बनाऊँगी सब्जी पराठा। देखिए तो सब्जी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, ठंडी के मौसम में गर्म गर्म अच्छे लगेंगे, क्योंकि रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा है। तो मैं हूँ किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ हरे मटर आलू की भाजी। तो ये मेरे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, तो यही मैं बना रही हूँ आज। और कढ़ाई में मैंने सॉरी जीरा डाल दिया है, और जब जीरा मेरा तड़क जाएगा उसके बाद मैं प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी। और आटा भी मैंने गूंथ कर रख लिया है, इसे रोटियां गूंथने से गूंथ कर रखने से कम 10 मिनट या 15 मिनट रोटियां अच्छी बनती हैं, इसलिए मैंने आटा भी गूंथ कर रख लिया है। और मैंने प्याज हरी मिर्च डाल दिया है कढ़ाई में, और जब तक थोड़ी सी ब्राउन होगी तो उसमें जो हरे मटर है और आलू है बारीक मैंने काटा है वो मैं ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी कढ़ाई में। और मैं इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों लोग को टमाटर पसंद नहीं है, नहीं खाते हैं वो, और सिर्फ सिंपल बनाऊँगी, और ये अच्छी लगती है खाने में। तो आज का मेरा रात का जो भी है रात का खाना है यही है। तो मैंने डाल दिया इसमें आलू और हरे मटर की सब्जी मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ी सी मैं कलर आने के लिए हल्दी पाउडर डालूँगी और नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो इसमें डाल दी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी मैं डाल दूँगी नमक स्वाद के अनुसार। तो अब इसको मैं ढक दूँगी, अब सब्जी मेरी बनके तैयार। इसमें पानी बिल्कुल मैं नहीं डालूँगी, लो फ्लेम पे इसको पकाऊँगी, ये बन जाएगी। तो ये मेरी सब्जी देखो ये बन गई है, और अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यही है मेरे आज रात के खाने में सब्जी रोटी।
तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये मेरा रात का खाना में है, कीमा दाल और रोटी और सब्जी है। तो अब मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।